शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 401 केंद्रों पर 40,763 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 29,499 लोग तथा सेकंड डोज लेने वालों में 11,264 लोग शामिल रहे, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में 80% लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि सभी लोग वैक्सीनेशन करवा लें ताकि इस कोविड महामारी को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके तथा ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे को टाला जा सके। उन्होंने कहा कि सभी लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आज जनपद गोरखपुर में कुल 401 स्थानों पर टीकाकरण किया गया, जिसमें 320 जो है 18 प्लस के लिए लगे थे और 81 स्थानों पर जो है 15 साल से लेकर 17 साल के लोगों को टीका लगाया गया। आज 15 से लेकर 17 साल तक के लोगों में 16,850 लोगों को टीका लगाया गया और पहली खुराक 18 प्लस वाली जो है उसमें हमारे यहाँ लगाया गया है कुल जो है 10,669 और सेकेंड डोज जो है कुल लगाई गई है 11,727। तो मैं इस तरह से टीकाकरण में काफी तेजी आई है और सभी लोगों का इसमें सतत प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के केसेस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और आज भी अपने यहाँ 106 केस पॉजिटिव आए हैं। अतः मैं गोरखपुर जनपद वासियों से अनुरोध करता हूँ, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब लोग कोविड के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन कराएं और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपने को टीकाकरण कराएं। आज मैं एनालिसिस कर रहा था, मैं उसमें देख रहा था कि 60 वर्ष के ऊपर के लोग अपने यहाँ करीब 80% लोग ही टीका लगवा चुके हैं, बाकी अभी हैं। तो इसलिए 60 साल के ऊपर के लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवाने के लिए निकले। अभी भी हमारे पास 20% लोग टीकाकरण कराने से वंचित हैं। तो मैं गोरखपुर सभी निवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसा उत्साह बच्चों में दिखाई दे रहा है उसी तरह से सब लोग जो है आगे आवें, ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाएं, जिससे कि हम कोविड। और इसके साथ ही मैं एक अपील और करना चाहूंगा कि लोग कम से कम अपने घरों से बाहर निकलें और जब भी बाहर निकलें मास्क अवश्य लगाएं, अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें और टीकाकरण की गति मिलाएं। हम लोग अगर ऐसा करेंगे, हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ है तत्काल आप जो है जनपद में हमारे पास जो है कुल 55 स्थानों पर हम कोविड टेस्ट करा रहे हैं, वहां पर आप कोविड टेस्ट कराने जाएं। इसके साथ साथ जो हमारे अगर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो तत्काल जो है ICCC पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर पर आप संपर्क करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।